नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज मेरे साथ हैं इलाके के जाने माने अधिवक्ता, हनुमानगढ़ बार संघ के अध्यक्ष मनीष तंवर। तंवर जी से आज हम हनुमानगढ़ की सियासत के बारे में, बार संघ की सियासत के बारे में, इसके अलावा कई सवालों के बारे में उनसे बात करेंगे। मनीष जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। आप मेरे ख्याल से पांच बार संघ के अध्यक्ष रहे, पांचवी बार चुने गए। इससे पहले आप उपाध्यक्ष भी रहे। 20 साल के लगभग आपको प्रैक्टिस करते हो गए, तो ऐसा क्या है कि लोग आपको बार बार चुनते जा रहे हैं? आपको युवा अध्यक्ष की श्रेणी में भी लोग मानते हैं। क्या ऐसा करवाया है आपने कि लोग बड़े आकर्षित हो रहे हैं? आप बताएं जरा। मैं सबसे पहले तो आपका इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपको धन्यवाद। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन मुझसे किया है कि क्यों चुनते हैं, तो इसका मैं बड़ा सरल एक जवाब देना चाहूँगा कि जिस काम के लिए मुझे चुना, उनकी आकांक्षाओं पर अगर मैं खरा उतरता हूँ तो वो मुझे बार बार ही चुनते हैं। मेरा उपाध्यक्ष का कार्यकाल मेरा पहला पड़ाव था, उसके बाद मुझे लगातार पांच बार इस बार ने, जितनी मेरी उम्र नहीं, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मेरे सीनियर गुरुजन जो जिनकी उम्र मैं उनके बच्चे के समान हूँ, उन लोगों का मुझे लगता है कि उनको दिखता है मुझ में कि भाई ये कर सकता है जो चीज़, और मुझसे जो समय पर कहते हैं मैं वो करता रहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस क्षेत्र के अंदर मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे सारी उम्र वहाँ निकालना है, उस क्षेत्र के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे ये समय समय पर बताते रहते हैं और मैं करता रहता हूँ, और यही कारण है कि मुझे पांचवीं बार इसी ने चुना। हाँ मनीष जी, कहा जाता है कि बार संघ के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो एक साल का होता है और आपको बार बार चुना जा रहा है, तो आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप अधिकारियों के बड़ा फिट बैठते हैं। जब भी न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच कोई टकराव होता है मनीष जी, तब देखा ये गया है कि आपने अधिवक्ताओं का सहयोग न करके न्यायिक अधिकारियों का सहयोग, ऐसा आरोप लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पीरियड में पहली बात तो कोई टकराव नहीं हुआ, आज तक मुझको ऐसा कोई आंदोलन करना नहीं पड़ा। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ है, दोनों हम जुडिशियल और बार दोनों एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड, जो ये जानते हैं कि हर समस्या का समाधान जो है वो टेबल पर होता है, बैठ के बातचीत से जो हल निकल सकता है, जिसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, उसके लिए टकराव करने की जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि पांच बार मुझे अगर चुना है और मैं वकीलों के हित की जगह अगर जुडिशियल का हित को अगर देखूं तो मुझे कोई नहीं चुनता। और मेरे ख्याल से आज तक का इतिहास रहा है कि इतने मैक्सिमम वोट से इस साल जो मैं जीता हूं, आज तक के इतिहास में इतने लंबी जीत से कोई नहीं जीता। कारण कि उनको मेरी कार्यशैली में यही कि हम लोगों को रोड पर आने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने बैठ कर कोई समस्या आती है होने लायक कार्य को जुडिशियल भी देखता है, हम भी समझते हैं कौन सा कार्य करना चाहिए कौन सा नहीं, और उसको हम बखूबी करते हैं। पाँच साल में ऐसा कोई टकराव की हमारी सिचुएशन ही नहीं रही, और जब भी कोई काम मैंने जुडिशियल को कहा वकील हित में, वो उन्होंने आगे बढ़ कर किया, तो टकराव का तो कोई सवाल ही नहीं, और अगर खिलाफत होती तो मैं जीतता नहीं, ये उसका एक नतीजा है। आप मनीष जी कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में कहीं कभी टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, हालात पैदा नहीं हुए। मेरा सवाल इससे मिलता जुलता है कि पिछले साल अधिवक्ता अरविंद मुखर्जी मामले को लेकर के पुलिस और वकीलों के बीच टकराव हुआ, क्या तत्कालीन अध्यक्ष और कार्यकारिणी वकीलों के हितों की रक्षा कर सकी? मैं इसमें आपके दृष्टिकोण से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बार एसोसिएशन कोई भी मैटर को जब उठाए तो उसका पहले खूब पड़ताल करें, और फिर कोई आंदोलन का रुख करना है, बातचीत का करना है, किस मोड पर उसको ले जाना है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। लास्ट ईयर मैं नहीं था बार का प्रेसिडेंट, उसमें जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उन्होंने उस मैटर को कैसे उठाया,
क्यों ऐसा मानता हूं कि जो जिस समय अध्यक्ष होता है उसको ये देखना होता है, उसके सामने जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसको देखना होता है उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन मनीष जी, आप भी अब अध्यक्ष हैं और पहले भी रहे हैं चार बार अध्यक्ष, तो आपके दृष्टिकोण से तत्कालीन कार्यकारिणी ने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा की क्या? प्रयास किया, लेकिन मैं समझता हूं कि जितना बढ़िया तरीके से करना चाहिए था उतना बढ़िया तरीके से कर नहीं पाए। प्रयास बढ़िया था, एक अधिवक्ता की लड़ाई लड़ने के लिए जो उन्होंने मानस बनाया, सब लोगों ने साथ दिया, पक्ष विपक्ष भी कुछ नहीं था, सब लोग साथ थे, उसके बावजूद उसको वो उस लेंगल पर नहीं ले जा पाए जिस पर ले जाना चाहिए था। और वही कारण रहा कि इसमें लोग कुछ कमियां मानते हैं, कुछ इससे प्रोफेशन में भी गिरावट आई मुझे लगा। वकील साहब, आपके हिसाब से आप कह रहे हैं जिस एंगल पे ले जाना चाहिए था नहीं ले जा पाए, या जिस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए था नहीं कर पाए, वो कौन सा तरीका और कौन सा एंगल अगर बताएं आप? जैसा कि आपने मुझसे भी थोड़ा सी देर पहले पूछा था कि आप कैसे सलटाते हैं, हम टेबल पर बैठ के, आज हमारे किसी अधिवक्ता के साथ किसी ने कोई गुंडागर्दी करी और हम सही हैं तो हमको रोड पर आने की जरूरत नहीं है। IAS RAS अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन पर बैठे हैं, आप लोग और उनमें एक कुछ कॉमन चीज़ें हैं, उसको बैठकर वाजिब चीज़ को अगर किसी चीज़ को किसी अधिकारी को समझाया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हल होगा, न कि हु आ करने से, हल्ला मचाने से, और जो ये बंद करना और रोड जाम करना, ये मैं इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। ये तो लास्ट हथियार होता है, बैठ कर इसको दोषी को पकड़वाया जा सकता था, अदालत में चलान होना, मुलजिम बताए किसने गलत किया, उस चीज़ को वो कर सकते हैं। इसके लिए कहाँ जरूरत है हुल्लड़ मचाना, घेराव करना, दबाव बनाना, दबाव किस बात का, आप गलत काम थोड़ा ना करवा रहे हैं। अगर टेबल टॉक से बात नहीं बने तो कोई क्या करेंगे? अगर टेबल टॉक से बात नहीं बने, हमारा मैं यही मेरा एक शुरू से एक नियम रहा है कि पहला काम हमारा ये नहीं है कि सीधा हम रोड पर चले जाएं, पहले हम अपने शांतिपूर्ण, हमारे बीच में सीनियर्स भी हैं, दूसरे और भी लोग जनप्रतिनिधि है, गलत का कोई साथ नहीं देता लेकिन सही का साथ देते हैं, और फिर भी अगर कोई ढीठ और नीच हो जाए और सर के ऊपर से पानी निकल जाए तो ये फार्मूले लागू करते हैं, फिर जहाँ तक जो लड़े वो करना चाहिए। मेरा पीरियड में भी ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उन्होंने देखा कि एक पढ़ा लिखा तबका अगर रोड पर आता है तो इसका मतलब टोटली फेलियर, एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर, जनप्रतिनिधि भी वो देख रहे हैं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग से लगाए हुए IAS अधिकारी बैठे, तो वो लोग इस बात को समझते हैं कि एडवोकेट लोग भी, अगर यहाँ संगठन सबसे बड़ा संगठन है, आज हनुमानगढ़ के बुद्धिजीवी लोग उसमें हैं, और हर चीज़ पुलिस का पीड़ित, एडमिनिस्ट्रेशन का पीड़ित, न्याय के लिए हमारे पास आता है, हम उनका माध्यम बनते हैं, हम बढ़िया तरीके से उसको हैंडल करते हैं और उसका सलूशन हम निकालते हैं, वहाँ तो हम नहीं लड़ते। दो पक्ष जब अंत में खड़े होते हैं तो वो अपनी बात बताते हैं, हम अपनी बात बताते हैं, समझने वाला समझ कर उसको फैसला करता है, तो लड़ाई कहाँ हुई? तो वही चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन और अधिवक्ता में होनी चाहिए, और वो हम, मेरा भी प्रयास रहता है कि बैठ के टेबल पर बात करी जाए। आज हम झगड़ा तो नहीं करते अदालत में, हमारे वहाँ सिर तो नहीं फाड़ते हम लोग, वहाँ अदालत को एकदम रोड पर तो नहीं ले आते। आर्गुमेंट से सारी बात होती है, आर्गुमेंट से बात होती है, वहाँ हम कितना बढ़िया तरीके से प्लीड कर पाए, वो उसको वो अडोप्ट करना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। अध्यक्ष जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के बड़ा करीब माना जाता है, अभी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का कुछ महीने बाकी बचे हैं तो अधिवक्ता हितों की बात करें या अधिवक्ता कॉलोनी की बात करें, आपने क्या प्रयास किए? मैं नो डाउट भारतीय जनता पार्टी का पुराना वर्कर रहा हूँ, 5 साल से मैं जब से अध्यक्ष भी आया हूँ, तो मेरा एक ही होता है कि मैं जब अध्यक्ष होता हूँ तो मैं किसी पार्टी का नहीं होता, मैं बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधित्व के नाते, मैं जो भी वो कांग्रेस हो, BJP हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई सा भी। वकील साहब, यहाँ कोई जज बांध करके अपने को कोई फैसला नहीं करना, मेरा निवेदन सिर्फ ये था कि आप अधिवक्ता हितों के लिए अपने संबंधों का लाभ तो बार संघ को दिला सकते थे ना, तो संदर्भ में क्या प्रयास किया? मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिसंबर में हमारे इलेक्शन हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 3 महीने में अप्रैल चालू हुआ, इसमें आज राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, SDM हुआ, ये सब हुए, हमारा जुडिशियल है,
जितना फायदा बार एसोसिएशन को हम दिलवा सकते हैं, चाहे वो चेयरमैन साहब हों, वो बीजेपी के हैं, नगर पिता हैं, उनको भी वहाँ समय समय पर ले गए हैं, कोई प्रोग्राम होता है उन भी बुलाते हैं और उनसे प्रयास करते हैं कि हमारे लिए कहेंगे। और अभी कुछ दिन पिछले ट्रेन में कुछ उन्होंने सहयोग किया भी है, एमपी साहब ने, डॉक्टर साहब ने, अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए। और अभी प्रयास हम और भी कर रहे हैं, अभी हमारा मेरा पेड़ जो है इसमें कैसे इंटरलॉकिंग हो, कैसे बढ़िया बैठने की व्यवस्था हो, कैसे अधिवक्ताओं का अभी अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ था नगर पालिका से अधिवक्ताओं हित में, जिसमें कॉलोनी की मांग अधिवक्ताओं की, जिसमें पत्रकार और अधिवक्ता दोनों की थी। अब उस पर वो ये नगर परिषद के अंदर उसमें पत्रकारों की पास हो गई थी और आपकी कॉलोनी का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था, वो मुझे जाना है। वकील साहब, आप वहाँ चेयरमैन साहब को ले जाने की बात कर रहे हैं और करते हैं, लेकिन फिलहाल वहाँ कुछ ऐसा दिखाई आपके वहाँ नहीं देता। ये बार संघ के वकालतनामे की बात करें, उसके वेलफेयर फंड पर आप 25 रुपये की एक टिकट चस्पा होती है, जबकि साहिल से वो 100 रुपये आप वसूल करते हैं, तो सैकड़ों की तादाद में रोजाना ये वकालतनामे लगाए जाते हैं। कुल मिलाकर के एक साल में 10 लाख रुपए के लगभग आय होती है। इस पैसे का वकीलों के हित में कहीं उपयोग होता हुआ नहीं देखा गया, कहाँ है पैसा? मेरा इससे थोड़ा सा जुदा वो है कि जो भी राय रखते हो, हाँ वो भी का जो ये फंड है, ये वकीलों के वेलफेयर में, जो वहां साहिल आ रहा है उनकी सुविधाओं में बढ़ाने में, उनमें हम इसको यूज करते हैं। जैसा अब पानी की व्यवस्था है, उनके बैठने की व्यवस्था है, वकीलों का जैसे मेरे पेड़ के अंदर, मैं तो अभी अभी चालू हुआ, अभी मैं दोबारा फिर इसको बीमा करवाने की प्रयास कर रहा हूँ। अभी उससे पहले मैंने एक टर्न ओवर में बीमा सारे अधिवक्ताओं का बार के फंड से बीमा भी करवाया। आज चैम्बर के बीच में सीटिंग अरेंजमेंट वो हमने कराया, ताकि कौन आम जन जब आता है तो उसको पेशी के दौरान टाइम मिलता है तो वो बैठता है, उसको बैठने की सुविधा कैसे हो, पानी ठंडे पीने की वो व्यवस्था, ये चीज़ों पर इस फंड का हम यूज करते हैं। साफ सफाई पे है, माली का काम है, उसके अंदर घास वास लगाना, उस पर इसका फंड का यूज होता है। और इस साल पिछले साल ही ये 100 रुपये का वकालतनामा हुआ है, इससे पहले ये वकालतनामा 60 रुपये का था। अब ये टिकट, क्योंकि पहले ये 25 रुपए की टिकट तब भी लगती थी और आज भी 25 रुपए की लगती है, पहले 25 रुपए की, 60 रुपए का तब भी 25 की और 100 रुपए का तब भी 25 की। पहले ये मेरे पेड़ के अंदर ये टिकट आती थी 9.5 रुपए की, जिसको हम 25 में बेचते थे, और अब ये जो 25 रुपए की टिकट आई है, हाँ अब इसको हम इसके अंदर जैसे वकालतनामा, उस पर एक टिकट वो लगती है, उसको दर्ज करते हैं ताकि कोई विवाद हो जाए तो हिसाब किताब हो उसका, मेंटेन रख के इस पैसे को हम बार एसोसिएशन के जैसे भी प्रोग्राम होते हैं, कोई फंक्शन करना है, सामूहिक फंक्शन करना है, उसमें हम इसको लगाते हैं और इसका बाकायदा हिसाब रखा जाता है और साल के एंड में इसका हिसाब देते भी हैं। हम बातचीत कर रहे हैं बार संघ के अध्यक्ष मनीष तंवर से, वक्त तो चला है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है, ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। महावीर लैब एवं आयुर्वेद चिकित्सालय के डायरेक्टर ओम प्रकाश स्वामी और विजेंद्र स्वामी ने बताया कि यहाँ विभिन्न बीमारियों के इलाज किए जाते हैं, इनमें प्रमुख रूप से माइग्रेन का आयुर्वेद व विदेशी मशीनों द्वारा इलाज, बवासीर का आयुर्वेदिक इलाज, गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक इलाज,
महिलाओं में सफेद पानी का सफल इलाज। गेहूं से एलर्जी, अस्थमा व हर प्रकार की एलर्जी का इलाज। खून की कमी का इलाज, पुराना टाइफाइड का इलाज। चिकित्सालय एवं माइग्रेन केयर सेंटर नजदीक हिसारिया मार्केट महावीर लैब के ऊपर हनुमानगढ़ टाउन। फोन नंबर 01552224041, मोबाइल नंबर 9462028185। लैब डायरेक्टर ओम प्रकाश स्वामी ने बताया कि हमारे यहाँ पर खून, पेशाब, बलगम, मल, वीर्य की साधारण व बड़े टेस्टों की सुविधा उपलब्ध है। आप अपनी रिपोर्ट इंटरनेट से भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ थायराइड हार्मोन टेस्ट की रिपोर्ट मात्र 4 घंटे में दी जाती है। हमारे यहाँ कल्चर टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार आइए और सुविधा का लाभ उठाइए। महावीर लैब नजदीक हिसारिया मार्केट हनुमानगढ़ टाउन। ये महावीर आयुर्वेदिक चिकित्सालय और माइग्रेन सेंटर है। बीमारियां जैसे ल्यूकोरिया है, अस्थमा है, एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, ऐसी बीमारियां जिनका एलोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट नहीं हो, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा सफलतापूर्वक चिकित्सा की जाती है। हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ बार संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता मनीष तंवर से। तंवर जी, बार संघ की एकता की बात कर रहे हैं। किसी जमाने में इसका उदाहरण दिया जाता था। एसपी त्रिपाठी की बात करें या जिला कलेक्टर ललित मेहरा की बात करें या एसपी विनीता ठाकुर की बात करें, आंदोलन हुआ और इन सबको बार संघ के सामने झुकना पड़ा। लेकिन अब के अधिकारी, अब की पुलिस आप लोगों का दबाव महसूस नहीं करती, क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि दबाव हमने कभी पहले भी नहीं लगाया, बनाया और आज भी नहीं बनाते। वो सरेंडर हुए तो फिर कैसे हुए? और अधिकारी पहले भी सुनता था, आज भी सुनता है। संगठन में कहीं कोई कमी नहीं। एकता जब जरूरत पड़ती है तो हम एक रहते हैं। इसका पिछली टर्न ओवर उससे पहले हमेशा देखा, आपने भी बताया कि कब कब सिलेंडर कब कब हुए। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब अधिवक्ताओं के हितों पर कोई कुठाराघात हुआ और उसको ताकत के हिसाब से अगर शो करना पड़ा तो हम कभी झुके नहीं और कभी झुके नहीं और ना झुकेंगे। आज भी हम चाहे अलग अलग ग्रुपों में हों या ना हों, लेकिन जब कोई वकील हित की बात आती है तो हम एक हैं। पुलिस प्रशासन भी इस बात को समझता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को समझती है, हमारे जुडिशियल अधिकारी, हमारे बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, हम लोग जब भी कोई आह्वान करते हैं तो वो हमारा सहयोग, हम लोग भी पूरे राजस्थान के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हमारा संगठन कभी झुकेगा या कभी झुकाओ। और एकता हमारे में जितनी है, मेरे ख्याल से आपने तो खूब शहर के अंदर देखा है, पुराने अनुभवी आदमी हैं, तो हमारा संगठन मजबूत है, लेकिन हम नाजायज किसी को दबाने की कोशिश नहीं करते। वकील साहब, अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, वनिता ठाकुर के कार्यकाल की कर रहे हैं, ललित मेहरा के कार्यकाल की कर रहे हैं, एसपी त्रिपाठी के कार्यकाल की कर रहे हैं और वर्तमान की बात कर रहे हैं। अब जब अरविंद मुखर्जी वाला मसला हुआ और पहले वाले मसले हुए, तो अब वो चीज़ देखने को क्यों नहीं मिली, मेरा सवाल ये था। बिल्कुल आपसे ये दुरुस्त बात आपने कही कि उस टाइम के अंदर अब अधिवक्ताओं को सीरियस क्यों नहीं लिया जाता, क्यों गंभीरता से नहीं ले रहे वो? अधिवक्ताओं को जब भी सीरियस लिया करते थे और आज भी सीरियस ले रहे हैं। आपने अरविंद मुखर्जी वाले प्रकरण के अंदर भी देखा होगा, जितने मुलजिम अधिवक्ता महोदय ने FIR में लिखाए वो सारे के सारे अरेस्ट हुए। कुछ लोग सामाजिक राजनीतिक आकांक्षाएं रखते हैं, उसको टर्न ओवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानूनन जितने हमको मुलजिम चाहिए थे वो अरेस्ट हुए। दबाव कुछ नहीं, सही चीज़ें हुई, अधिकारियों ने अधिवक्ताओं के रोष को समझा और बगैर उसके हमको, हमारे जिन्होंने हरकतें की उनको अरेस्ट किया। दबाव कभी कम नहीं रहा और कभी हमने दबाव बनाने की कोशिश भी नहीं की। दबाव का मतलब है कि अगला ना समझे तो दबाव बनाए, अगला समझता है तो मुझे लगता है कि दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। वकील साहब, अभी आप कह रहे थे कि कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो क्या इसमें कोई राजनीति भी क्या?
मुझे लगता है कि इसके अंदर इतने बड़े मुलजिम, इतने लोग थे, हर एक आदमी की पॉलिटिकल अप्रोच भी होती है, उस अप्रोच का भी अगले ने कोई ना कोई फ़ायदा उठाने के प्रयास किया। हमारे बीच में भी कुछ ऐसा हुआ कि हमारे एक सीनियर अधिवक्ता इसके अंदर वकालतनामा किया, उनको गलत तरीके से किया, और उसके बाद बार एसोसिएशन ने दोबारा इस बात को महसूस किया कि गलती हुई और उसको हमने दोबारा दुरुस्त किया। तो कई बार गलत फहमी में भी हो जाता है, कई बार सोची समझी चाल से भी हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ ये तो पिछले साल वाले ही बता सकते हैं ज़्यादा बेटर, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर कुछ हुआ है और बाद में समझ में आई है तो उसको दुरुस्त भी किया गया है और किसी चीज़ को लटकने नहीं दिया गया। वकील साहब, अभी आप वकीलों की एकता की बात कर रहे थे कि साहब बहुत एकता है हम लोगों की, मैं राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव की बात करता हूँ। जितेंद्र शाश्वत लोकल उम्मीदवार थे, इसके बावजूद आपने उनकी सपोर्ट न करके बाहर के वकीलों की सपोर्ट करी, तो क्या लोकल एकता के नाम पर, लोकल एकता पे बल देते हुए आपको उनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो कि लोकल यहाँ 5 आदमी थे, जो लोकल की अगर बात करें तो हमारे सीनियर अधिवक्ता जितेंद्र शाश्वत जी यहाँ प्रैक्टिस करी, बार के प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके अलावा किशन बंसल जो हनुमानगढ़ प्रैक्टिस की वो यहाँ रहे हैं, और खरलिया जी जो है वो भी पीलीबंगा से माने जाते हैं, हरदेव सिंह खरलिया जी, उनके रमन और जितेंद्र मित्रुका जी, उनके फादर भी यहाँ रहे। ये सब लोकल थे, अब नहीं है। खरलिया की बात करें तो वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, या आप किशन जी की बात करें या किसी मित्रुका जी की बात करें, लेकिन जितेंद्र शाश्वत तो आपके साथ ही और आपके साथ प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, तो उनमें और इनमें फर्क हुआ ना? मैं यही निवेदन कर रहा था कि ये चाहे आप प्रैक्टिस कहीं कर रहे हो, लेकिन अभी जितेंद्र मित्रुका जी के फादर हनुमानगढ़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने भाई ने प्रैक्टिस यहाँ करी, किशन बंसल यहाँ से निकल के गए, हनुमानगढ़ उनका गृह क्षेत्र है और वो यहाँ प्रैक्टिस के हुए को अपना मानते हैं और हमारे बीच में रहे, इसलिए ये 4-5 लोकल हो गए। अब लोकल में तो फिर लोकल के साथ तो अपने अपने रिलेशन जिसके हैं वो वहाँ जाएंगे और लोग वहाँ गए, और जितेंद्र जी को भी लोगों ने सपोर्ट किया है। आपकी बात कर रहा हूँ, आपने सपोर्ट किया। मैं बार का प्रेसिडेंट था और राजस्थान के जितने भी अधिवक्ता जो खड़े हुए थे वो जो हनुमानगढ़ में आए, तो वो मेरे यहाँ उन सबको मेरा समर्थन रहा। आपने सबका समर्थन किया लेकिन जितेंद्र शाश्वत का समर्थन नहीं किया? समर्थन किया लेकिन विरोध भी नहीं किया, ये भी सच्चाई है कि विरोध भी नहीं किया, लेकिन अपने आप यहाँ कई बार जब अध्यक्ष, जैसे मैं अभी अध्यक्ष हूँ, तो एक ग्रुप पक्ष विपक्ष ये राजनीति में होता रहता है, उसके कारण शायद ये एलिगेशन लग सकता है, बाकी ऐसा नहीं है। वो हमारी सपोर्ट करते हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं, और बार वकील की सपोर्ट करते हैं, वो बार किस्म के 5 मेंबर थे। सब दिखावे की बातें हैं। वकील साहब, आप तो भी बात कर रहे थे, विकास कार्यों की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि साहब मेरे कार्यकाल में बहुत, मैं एक सवाल बीच में मेरे से मिस हो गया था, आप अपने कार्यकाल को उपलब्धियों बड़ा बताते हैं और इसकी वजह भी बताते हैं कि साहब इसलिए मैं 5 बार निर्वाचित भी हुआ हूँ, तो आपके वहाँ तो हालत ये है कि आपने कल सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए आपने न्यायिक अधिकारी को ज्ञापन दिया है, जब शौचालय तक की कमी है तब काय के विकास करिए और क्या काम हुआ फिर? ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, सुविधाएं कम हैं उसको बढ़ाएंगे तभी आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। हमारे पास अब लग सुलभ कॉम्प्लेक्स जहाँ थे वो कम अप्राप्य थे, आदमी की संख्या ज़्यादा हो गई, कोर्ट सारा वहाँ पब्लिक आती है, एक सुलभ कॉम्प्लेक्स जो आम जन के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो अभी हमारे पास वहाँ 2-3 सुलभ कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन वो छोटे पड़ रहे हैं, क्यों 2-3 हज़ार आदमी मेरे अंदाजे से प्रतिदिन वहाँ आता है और उनको ये मूलभूत सुविधा है उनको बैठने की, मैं इसी पर प्रयास कर रहा हूँ, मेरा सुलभ कॉम्प्लेक्स वहाँ बैठने की व्यवस्था, ठंडे पेयजल की व्यवस्था, ये चीज़ें जिस दिन हो जाएंगी उस दिन मैं समझूंगा कि मैं मेरा जीवन साकार और मुझे जिताने का जो इनका लक्ष्य है वो भी पूरा हो, प्रयास है, मैं प्रोग्रेस। बार एसोसिएशन में हमारे पास लाइब्रेरी नहीं थी पहले, लाइब्रेरी के अंदर आज हम ई लाइब्रेरी बनाए हुए, उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बार रूम में जो सुविधाएँ होनी चाहिए थी वो सुविधाएँ हम कर रहे हैं,
हमारे दिवंगत जितने अधिवक्ता थे, हम उन लोगों को याद करते हैं, उन लोगों का सहयोग भी बार में रहता है। कैंटीन की सुविधा पहले नहीं थी, वो कैंटीन की सुविधा भी थी। अभी इत्तफाक से मेरा कहो कि लक अच्छा, ये अभी वाटर वर्क्स की डिग्गी खुद रही थी तो हमारे क्या कि भर्ती का बड़ी समस्या थी, हमारी वहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं थी, जिसके लिए अब हम प्रयास कर रहे हैं। अभी वो मिट्टी वहाँ से खुद रही थी तो सबसे पहले हमने कोर्ट में डिलवाई और उसको आज भी ट्रैक्टर चल रहे, लेवल हो रहा है, उसके अंदर व्हीकल जो तरतीब खड़े। अब लोगों को जब तक सुविधा नहीं देंगे जब तक तो वो अव्यवस्थित खड़े करेंगे, लेकिन अगर उसको पर्टिकुलर अगर जगह दे दी जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि वो फिर उसी जगह पे खड़ा करेंगे। जब सुविधा ही नहीं होगी, आज मैंने पढ़ा था आज के अखबार में कि रेलवे स्टेशन पर भी सुलभ कॉम्प्लेक्स की मांग की। हाँ, कल ज्ञापन दिया राष्ट्रीय योग परिषद ने, कल ज्ञापन दिया। उसमें उनकी पीड़ा थी कि सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है तो क्या करेंगे, दीवार के साथ ही लघु शंका करेंगे और वो उनको अच्छा नहीं लगता है, जुर्माना कर देते हैं। अब उन्होंने मांग की है जिस दिन वो बन जाएगा तो उस दिन कोई भी दीवार के साथ नहीं करेगा। मेरे भी यहाँ कमी है, मैं उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि नगरपालिका और आम जन की सुविधा के लिए मेरा जो प्रयास है रंग लाएगा और बन जाए और सुविधा मिले। यही प्रोग्रेस, यही सोचना है। ये जरूरी नहीं है कि ये चीज़ हो गई तो इसके बाद प्रोग्रेस बंद हो जाएगी। नई नई चीज़ों से जुड़ना, पहले किताबों के काम था लाइब्रेरी में, आजकल ई लाइब्रेरी चालू हुई, नेट आगे से आगे क्या क्या चीज़ चल रही है। ये अभी वहाँ नेट की सुविधा रही, पूरे जियो का वो चला, तो ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे नई चीज़ की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हमको उसको उसमें शामिल करना पड़ेगा अपने जीवन शैली में, और उसी का प्रयास मेरा है। और मेरे लगभग 12 एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता युवा एक से बढ़कर नई नई स्कीमें हमें बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये करो, वैसे करो, अपने ऐसा कर लेते हैं। अभी एक दिन डीजे साहब से मेरी बात हो रही थी तो डीजे साहब ने कहा कि आप चाहो तो जुडिशियल अधिकारी प्लस आपके सीनियर एडवोकेट्स और युवा जो सीखना चाहते हैं लाइब्रेरी में इस टाइप का कोई प्रयोग हर टॉपिक पर एक एक दिन उस पर कर सकते हैं, तो ये एक नई चीज़ है जो यहाँ करा जा सकता है। बीमा है, सुरक्षा की दृष्टि से हम कोई ऐसा अच्छा काम करने के जैसे जैसे पता लगता है करते हैं। और लोगों ने मेरे अंदाजे से तो कि 5 बार के पीरियड में प्रोग्रेस कहो या उनकी आकांक्षाओं पूरा करने के लिए, अब चैम्बर हमारे नहीं थे, पहले हमारे पास ताकत थी, सब कुछ था, लेकिन हमारे पास झोपड़ियों में बैठ रहे थे। आज आप देखो कि पूरे राजस्थान में इतने बढ़िया चैम्बर मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। पहले व्यक्तिगत प्रयास किया, हम लोगों ने खुद के चैम्बर पैसे लगा के चैम्बर बनाए, जिगे जुडिशल ने दे दी, लेकिन इस बार प्रयास करके हमने हाईकोर्ट से बजट लिया और चैम्बर हाईकोर्ट ने बना के दिए। ऐसी सुविधाएं हम लोग प्रयास करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। वकील साहब, अपन जोधा सिंह प्रकरण की बात करें, बार संघ ने बड़ा शोर मचाया, बड़ा आक्रामक रुख अपनाया और जैसे जैसे वो सारी परतें खुलती गई, पुलिस का अनुसंधान आगे बढ़ता गया तो आप बचाव की मुद्रा में आ गए। अब क्या कहना चाहेंगे कि जोधा सिंह प्रकरण की क्या सच्चाई है? आप एक वकील होने के नाते क्या मानते हैं, गलत है सही है? इसमें बड़ा स्पष्ट और बड़ी क्लियर बात करो, आप देखिए पहले दिन से ही बार एसोसिएशन का इस मामले में रुख बड़ा क्लियर रहा है कि अगर दोषी है तो उसको पकड़ा जाए और निर्दोष है तो उसको छेड़ा नहीं जाए। हमने कभी भी दबाव बनाने के प्रयास नहीं किया, गलत का साथ देने के प्रयास नहीं किया, फ्री हैंड है बिल्कुल। अगर किसी ने कोई गलत कार्य किया वो चाहे वकील हो चाहे वो कोई हो, बार एसोसिएशन सपोर्ट नहीं करती। निष्कर्ष अभी पेंडिंग है कि सही है या नहीं। एक पहली FIR हुई, उस FIR के अंदर दूसरे दिन ही प्रतिवादी आके मुकदमा वापस ले गया। एक और हुआ, उसमें पुलिस यहाँ तक पहुँच गई कि ये मुलजिम माना जाता है, इसको गिरफ्तारी वारंट मांग लिया गई। अब फाइनली क्या चीज़ है, बार एसोसिएशन ने कभी भी ये एलिगेशन नहीं लगाया कि आप वकील के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हो। गलत है तो करे, अगर मेरा वकील कोई गलत है तो वो आए, हमने कभी भी गलत का साथ नहीं देगा। बार एसोसिएशन मेरे पीरियड में तो गलत का साथ नहीं देगा।
वैसे तो वकील साहब ये जांच का विषय है, ये आईओ को ज़्यादा पता है कि ये गलत हुआ या सही हुआ, क्या साक्ष्य हैं, क्या एविडेंस है, लेकिन अधिवक्ताओं के बारे में कहा जाता है कि जब क्लाइंट उसके पास आता है तो वो कहते हैं कि खत देख करके मजबूर भाग लेते। आप तो एक वकील हैं और ये सब जब चल रहा है प्रकरण, तो आपके दृष्टिकोण से क्या है, पुलिस झूठा फंसा रही है या मामले में? मैं यही मेरे शुरू से मैंने आप गोलमाल जवाब दे, गोलमाल जवाब बिल्कुल नहीं देता, एकदम स्पष्ट जवाब देता हूँ इस मामले में कि कौन आदमी क्या बात किस वकील से क्या किस मामले में कर रहा है, ये सार्वजनिक तो होती नहीं। कोई क्लाइंट किसी के पास वकील के पास आया, उसने क्या बातचीत की, क्यों बिगड़ी, क्या हुआ, लिया नहीं लिया, ये चीज आम वकीलों को तो पता नहीं होती। अब वो वहाँ जब ये बात खुलती है तो एक एलिगेशन लगाता है कि मेरे साथ ये किया, दूसरा कहता है ऐसा नहीं हुआ। अब इसको जांच कौन करे? और जांच एजेंसी भली भांति इस पर जांच कर रही, अगर इस मामले में कुछ ऐसा निकला तो नेचुरल है कि कानून सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वहाँ MLA नहीं गए अंदर, MLA भी अंदर गए हैं, कलेक्टर भी गए हैं, ADM भी गए हैं, अधिवक्ता भी गए हैं, किसको उसमें, अगर अधिवक्ता गलत करेगा तो भुगतेगा। तो ये थे बार संघ अध्यक्ष मनीष तंवर। मनीष तंवर का कहना है कि जो हमारे यहाँ सुविधाएं हैं बार संघ में वो काफ़ी कम पड़ रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का, विस्तार करने का प्रयास में वो लगे हुए हैं। ज्योति सिंह प्रकरण के बारे में मनीष तंवर का कहना है कि बार संघ ने विशेषकर उनके कार्यकाल में कभी गलत का सहयोग और साथ नहीं दिया। अगर ज्योदा सिंह गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, पुलिस उसको अवश्य पकड़े, लेकिन अगर निर्दोष है तो धक्केशाही भी नहीं होनी चाहिए, राजनीति का शिकार भी इस मामले को नहीं बनाया जाना चाहिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होता हूँ एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।